मुनव्वर की वजह से अंजलि अरोड़ा मुझसे हो जाती थी जेलस। किसने कही है ये बड़ी बात? लॉकअप शो खत्म हो चुका है लेकिन उसकी बातें अभी भी रन कर रही हैं। क्या कुछ कहा है इन्होंने, चलिए आपको बताती हूँ उस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वह आपको बता दूँ कि लॉकअप खत्म हो चुका है। खत्म होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब फैंस अभी भी मांग रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। आपको बता दूँ यहाँ पर कि हाल ही में आज़मा फल्ला, जिन्होंने लॉकअप में छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला काम किया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री रही है और जिस तरीके से उनका पूरा गेम रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर वो फर्स्ट डे से होती तो वो विनर होती शो की। खैर, लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर कि हाल ही में अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अंजलि जो थी वो मुनव्वर की वजह से मुझसे जेलस रहती थी। कारण यहाँ बता दूं कि मुनव्वर और अंजलि एक साइड पे होते थे और मुनव्वर और आज़मा दोनों की हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा फाइट्स देखने को मिलती थी। लेकिन इन फाइट्स के बावजूद भी ऐसा आज़मा का कहना है कि लॉकअप शो के अंदर मुनव्वर आज़मा का बहुत ख्याल रखते थे और जब भी वो खाने के लिए बैठते थे तो उसमें से चिकन के पीसेस जो हैं वो आज़मा के लिए निकाल लेते थे और फिर सबको कहते थे कि आज़मा को बुला दो, आज़मा को बुला लो। फिर आज़मा को कोई बुलाता था तो उनको कहते थे कि ले आज़मा अब तू खा ले इसे। सो यहाँ पे कहते थे कि यार, आज़मा कहती कि मैं सोचती हूँ यार ये कैसा इंसान है, अभी मेरे साथ झगड़ा हुआ है और अभी मेरे को जो है वो चिकन के पीसेस खिला रहा है। वह यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं और मुनव्वर जो है वो मतलब मैं मुनव्वर की जो है छोटी बहन हूँ। मुनव्वर ने मुझे खुद कहा है कि तो मेरी जो है वो छोटी बहन है, जिससे हम बिल्ली की तरह जो है वो लड़ते रहते थे यहाँ पर। लेकिन अंजलि जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस होती थी ये देखकर, क्योंकि अंजलि हमेशा ये कहती थी कि जब भी हम चिल करते थे या मुनव्वर उदास होते तो मैं बैठती थी, मैं उदास होती तो मुनव्वर बैठती थी, तो अंजलि कहती थी कि तू खुद हमें कहता है कि उसको फुटेज नहीं देना है और तू खुद उसके पास जाके बैठ बैठ के उसको फुटेज दे रहा है। खैर, आप लोगों ने भी रियलिटी शो को देखा है, क्या कहना है आप लोगों का इस पर, आज़मा की इस बात पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।